हम ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में अदालत है, इस मुल्क में अदालत, इस मुल्क में आईन है। इस आईन में जो एक शहरी के लिए इंसानी हुकूक लिखे गए हैं वो हमें दी जाए। अगर वो हमें हुकूक नहीं मिलते हैं तो प्यारे भाई इख्तिजाज में फिर नारे लगते हैं। इख्तिजाज गिले किले को कहते हैं, इख्तिजाज शिकवे को कहते हैं। कोई बंदा गिला करे, शिकवा करे, हम फरियाद कर रहे हैं और फरियाद नहीं सुना जा रहा है। तो आपकी फरियाद को रिस्पेक्ट तो दी जाती है। कल आपने प्रोटेस्ट किया, आपने नारे लगाए, वो नारे मैंने सुने। उस नारे के बाद आप आज भी मेरे साथ मुखातिब हैं, आप आजादी से बैठे हुए हैं, रिस्पेक्ट तो दी जा रही है आपके नारों को। हाँ, नारे के लिए मैं नहीं आया था, मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरे पख्तून बेल्ट का जो मौजूदा हाल है वो सामने रखना चाहता था। हजार से जायद मेरे दोस्तों को गिरफ्तार किए, रास्ते बंद किए और सुप्रीम कोर्ट जाने नहीं दिए। ये कौन सा एहतराम था? ये एहतराम अगर मेरे जात की बात है, मैं आपके सामने स्टैम्प पेपर लिख दूंगा इनके स्क्रीन के साथ कि आप मेरे वतन को अमन दो, हक दो, मुझे फांसी पर लटका दो बगैर किसी जुर्म के, मुझे कोई इतराज नहीं है। ये जात की बात नहीं है, ये यहाँ पर अवाम की बात है। आप मुझे बताओ, वो माँ, वो बहन, वो बीवा, जिसका वो खावन, जिसका भाई, जिसका बेटा लापता है 10 साल से 15 साल से, अभी मैं जब आ रहा था आपके साथ मिलने से 2 मिनट पहले यहाँ एक बंदा आया, 19 साल से उसका भाई लापता है, अब वो इंतजार कर रहे हैं। हाँ, उनका आवाज कौन उठाए? हम उनकी फरियाद लेकर आ रहे हैं, हमारे दिलों में दर्द है मगर जाने नहीं दिया। रिस्पेक्ट मुझे नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट मेरे वतन के लोगों को दी जाए, मजलूम लोगों को इंसाफ देकर, ये रिस्पेक्ट है।